जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन लेवल की चल रही होगी। मैं पवन किशोर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 90 पर। ठीक है, तो आज बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं हम आज TGT UPTGT PGT वैकेंसी की, जो कि उत्तर प्रदेश में UPTGT PGT की वैकेंसी आई है। TGT की बात करें तो 3500 प्लस पोस्ट है, और PGT की बात करें तो इसमें 600 प्लस पोस्ट है। ठीक, तो दो इतनी वैकेंसी आई है। TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब TGT के जो टीचर्स होंगे वो कक्षा 9 और 10 को पढ़ाएंगे, कक्षा 9 और 10 वालों को पढ़ाएंगे ट्रेंड होकर। और PGT जो होते हैं वो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? 11th और 12th को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो TGT PGT अच्छी वैकेंसी होती है, टीचर की वैकेंसी है, टीचर के लिए बहुत हो। इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता में BEd होना चाहिए, आपके योग्यता में BEd होना चाहिए। अगर आप BEd नहीं हैं, आपके BEd की डिग्री नहीं है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऊपर 9792915759 एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे YT लिख के मैसेज कर सकते हैं। इस किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। अब TGT PGT की वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन सबको पता है कब होगा पेपर, सबके मन में होता है कैसे करें तैयारी, क्या होता है TGT PGT, कब होगा एग्ज़ाम, प्राविधिक कला वाले साधन, सब पर बात करेंगे। सबसे पहले उनकी हम योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता पर जैसे मैंने बताया कि योग्यता में आपको BEd होना जरूरी है। योग्यता उनकी इजिबिलिटी देखा जाए तो BEd होना चाहिए। BEd एक चीज़ और होता है कि अगर आपको कला से फॉर्म भरना है तो आपको इंटर में एक सब्जेक्ट से कला सब्जेक्ट से इंटर करना हुआ, कला सब्जेक्ट से जिसको हम बोलेंगे प्राविधिक कला, इससे अगर आप इंटर किए हैं, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो आप TGT कला दे सकते हैं, अच्छे से दे सकते हैं। ठीक, तो आपका BEd होना बहुत ज़रूरी है। इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी सबको बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 9 जून से स्टार्ट हो गया है, 9 जून से स्टार्ट हो गया है और कब तक जाएगा? 9 जुलाई तक जाएगा। 9 जुलाई, एक महीने में आपको इसका फॉर्म फिल करना होगा। और फॉर्म फिल करने के बाद आपको कम से कम चार, कब होगा एग्ज़ाम की जो प्रश्न है वो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं रहता है, क्योंकि वो तो आपको पता है कि अगर वैकेंसी कोर्ट में नहीं गई, क्योंकि कभी पेपर दे के देखो तो उत्तर प्रदेश में हम आपको लेकर जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे। तो ये तो यूपी का लेवल है भाई, यूपी में आपको फॉर्म भरने तक सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र होता है। ठीक है, तो क्या आइए उस पर बात करते हैं, क्राइटेरिया पे। इसकी क्राइटेरिया क्या है? इसकी क्राइटेरिया ये है कि आपको एक लिमिटेड सीट रहती है, लिमिटेड आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो लिमिटेड लेवल की होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट से आप कर सकते हो, वो आपका विषय क्या है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस विषय से देना चाह रहे हो। ओके, तो कैसे करें तैयारी? तो जैसे आपको भी पता है कि जो यूपीएससी वाले होते हैं वो भी सेल्फ स्टडी से ही क्रैक करते हैं। कोई भी यूट्यूब पे कोर्स, अभी देखो TGT PGT के यूट्यूब पे तमाम प्रकार के कोर्स उन बिकने लगे होंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो आप खरीद के आप एक लिमिट सीमाओं में फंस जाएंगे। आपके पास बुक होगी, अच्छे लेवल की बुक होगी, आप इस पे आप जिस पर जिसको जिस प्रकार की बुक चाहिए, अगर सजेशन चाहिए तो आप इस पे YT लिख के मैसेज करेंगे, हम सजेशन दे देंगे। ओके, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, जिसमें हम बोलते हैं आपको बार बार सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंगल सब्जेक्ट से तैयारी करनी है तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 बुक्स पढ़ना होगा बस। किसी यूट्यूबर के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़े, किसी झांसे में ना पढ़े, क्योंकि आप एक लिमिट संसाधनों में बंध जाते हैं और लिमिट संसाधन में बंधने से कार्य नहीं होगा। क्या होता है TGT PGT? मैंने बता दिया कि इंटर में या तो फिर आप संस्कृत में और इंग्लिश में कह सकते हो लेक्चरार या प्रवक्ता। कब होगा एग्जाम?
सबको पता है जिस दिन से फॉर्म पड़ेगा 9 जुलाई, 9 जुलाई से आप जोड़ लीजिए एटलीस्ट 4 महीने, 4 महीने बाद एग्जाम होगा, 4 महीने बाद। तो आपके पास जो समय है, 4 महीने बाद एग्जाम होगा, तो आपके पास जो समय है वो एटलीस्ट दिसंबर में पेपर होगा, इससे पहले पेपर होने वाला नहीं है, दिसंबर में से पहले पेपर होने वाला नहीं है। प्राविधिक कला वाले सावधान, जी हाँ, 2022 प्राविधिक कला वाले का रिजल्ट अभी नहीं आया है और उनका मान्य होना अभी मुश्किल है। अगर उनका रिजल्ट 9 जुलाई के पहले आ जाता है, 9 जुलाई के पहले आ जाता है तो वो उनका मान्य हो जाएगा, वो फॉर्म भर सकते हैं और पेपर वो दे सकते हैं टीजीटी पीजीटी का। टीजीटी पीजीटी से वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप बेझिझक 9792915759 पे YT लिख के मैसेज करेंगे। YT का मतलब कि मैं यूट्यूब से हूँ, मैं समझ जाऊँगा आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन के वहाँ आंसर मिलेंगे, ठीक है। और TGT PGT की बेस्ट कोचिंग लखनऊ में कहाँ है और आपको कैसे करनी है, कितने कम पैसे में करनी है, अगर आपको ऐसी भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, TGT PGT वाले तैयार हो जाएं और इनके लिए जो जंग है वो छेड़ चुकी है वो छेड़ दें, 4 महीना भूल जाएं अपने आप को कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं कौन हूँ, हु आई एम, तो वो भूल जाए और तैयारी अच्छे से करेंगे तो आई होप कि एक सीट उनकी कंफर्म हो जाएगी। ये ना देखें अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में और अलग अलग क्लासिक के भी बच्चे, जैसे OBC हो गए, जनरल हो गए, SC ST हो गए, इन सब की अलग अलग वैकेंसी है, इन सब की अलग अलग वैकेंसी है, और बालक की अलग है, बालिका की अलग है। ये तो तय है कि बालिका बालक में फॉर्म भर सकती है लेकिन बालक बालिका में नहीं भर सकते हैं। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, जग जाओ, तैयार हो जाओ। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, हम आप तक की सारी जानकारी पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।